आज बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से एनसीबी ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। दोपहर 2:30 बजे अनन्या एनसीबी ऑफिस पहुंची। करीब करीब 4 घंटे उनसे पूछताछ की गई, लेकिन एनसीबी अनन्या के जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और अनन्या को सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसे में अब लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या आर्यन खान के बाद अनन्या भी अरेस्ट होंगी। पहले दिन अनन्या से 2 घंटे 5 मिनट पूछताछ हुई, दूसरे दिन करीब 4 घंटे तक अनन्या से सवाल पूछे गए। आज दूसरा दिन था, ये दूसरा चरण था, दूसरा लगातार पूछताछ का दिन था। कल 2.25 घंटे पूछताछ हुई थी अनन्या से इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, और आज 4 घंटे पूछताछ हुई है। 2:30 बजे ये पूछताछ इंक्वायरी शुरू हुई है और करीब 6:30 बजे ये पूछताछ खत्म हुई है। देखिए, अनन्या अंदर बैठी हुई है, पीछे चंकी पांडे बैठे हुए हैं। आर्यन खान का वो चैट, ड्रग चैट, जिसमें अनन्या पांडे का नाम आया, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने लगातार अनन्या से पूछताछ की है। इसमें क्या निकल कर आया है ये तो साफ नहीं है, कि लेकिन आर्यन खान क्या ये ड्रग कंज्यूम करते थे, क्या अनन्या ने खुद उन्हें देखा था कंज्यूम करते हुए, आर्यन खान कितनी बार अनन्या के साथ पार्टी में बैठे थे, जो इनर सर्कल था वो क्या था, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे, क्या किसी ड्रग पेडलर का नाम अनन्या को आर्यन ने दिया था जिससे अनन्या ने कोई ड्रग्स मंगाया था, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये लगातार पूछताछ हुई है। और पूछताछ का ये दूसरे चरण का जो दौर है वो खत्म हुआ है। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो पिछले साल एनसीबी ऑफिस में देखने को मिला था। पिछले साल सितंबर में दीपिका पादुकोण से 5 घंटे पूछताछ की गई थी। 26 सितंबर 2020 को सारा अली खान से ड्रग सिलसिले में 4 घंटे तक एनसीबी ने सवाल पूछे थे। इसी दौरान श्रद्धा कपूर को भी बिल्कुल इसी तरह एनसीबी ऑफिस बुलाया गया था। 6 घंटे तक बैठकर उनसे भी पूछताछ की गई थी। इससे पहले फिल्म स्टार रकुल प्रीत सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 4 घंटे तक उनसे भी सवाल जवाब किए गए थे। इस हाई प्रोफाइल इंक्वायरी में दिन भर कैमरे एनसीबी ऑफिस में टिके रहे। जिस तरह से एक एक करके एक्ट्रेसेस को एनसीबी ऑफिस बुलाया जा रहा था, उससे ऐसा लगने लगा कि मुंबई में बहुत बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ होने वाला है, बहुत कुछ सामने आने वाला है, लेकिन खोदा पहाड़ और अभी कुछ भी नहीं निकला। 1 साल पहले मैं इसी जगह इसी एनसीबी ऑफिस के बाहर खड़ा था, उस वक्त रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस वक्त हमारी एनसीबी के बड़े अफसरों से बातचीत हुई, उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा जैसे उनके हाथ कोई बड़ी लीड लगी है। 1 साल बीत गया है, आज भी हम इसी जगह खड़े हैं। इस बार अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन 1 साल बाद भी पूरा सीन पिछले साल जैसा ही है। 1 साल में ड्रग्स केस में एनसीबी को क्या मिला? बॉलीवुड एक्ट्रेस से पूछताछ में एनसीबी को क्या मिला था? पिछले ड्रग्स केस का अपडेट क्या है? आज तक इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। पिछले साल सितंबर तो इस साल अक्टूबर में एनसीबी ने फिर से ड्रग्स और बॉलीवुड का कनेक्शन ढूंढ निकाला। फिर से हाई प्रोफाइल लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। क्रूज पार्टी से केस आर्यन खान पर जा पहुंचा, आर्यन खान से अनन्या पांडे पर, अब अगला कौन, इसका खौफ पूरे बॉलीवुड पर छाया हुआ है। पिछले 1 साल बॉलीवुड में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। इस दौरान मेरी बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से बात हुई, ड्रग्स और एनसीबी पर कई एक्टर एक्ट्रेसेस से बात हुई। इससे एक बात साफ है कि बॉलीवुड की एक नेगेटिव इमेज बनाने की लगातार कोशिश की गई और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी हुआ है। बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार सेलिब्रिटीज डरे हुए हैं, लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप चैट या सोशल मीडिया पर बात करने से कतरा रहे हैं, ड्रग्स या उससे संबंधित कोई भी वर्ड सोशल मीडिया पर डालने से कतरा रहे हैं। हर कोई डरा हुआ है कि अगर सोशल मीडिया पर एक दूसरे से बात की तो पता नहीं इस बात का कौन क्या मतलब निकाल ले और उसका इंपैक्ट पता नहीं आगे जाकर क्या हो। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अब अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ की जा रही है और अब इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, इसको लेकर बॉलीवुड में एक अलग ही तरीके का डर और खौफ का माहौल है। अनन्या से पूछताछ के पीछे भी व्हाट्सएप चैट वजह बताई जा रही है, जो आर्यन और अनन्या के बीच हुई थी। उस चैट में ऐसा क्या था वो देखिए। क्या अरेंजमेंट हो सकता है? वो इंतजाम करेगा।
जिस चैट को लेकर अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया वो करीब 3 साल पुराने हैं। तब अनन्या की उम्र 19 साल की होगी। एनसीबी जिस चैट के आधार पर अनन्या से सवाल पूछ रही है, इसके जवाब में अनन्या ने कहा कि उन्हें ये बातें याद नहीं और उन्होंने ये बातें मजाक के तौर पर की होगी। ये भी सच है क्योंकि दोस्तों के बीच ऐसे मजाक होते रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ना ही आर्यन खान के पास और ना ही अनन्या पांडे के पास से एनसीबी को किसी भी तरह के ड्रग मिले हैं। अनन्या आज 2:40 पर एनसीबी ऑफिस पहुंची। वहां पर 2 महिला और 2 पुरुष अधिकारियों ने पूछताछ की। एनसीबी के आईओ बीके सिंह और समीर वानखेड़े भी मौजूद रहे। अनन्या के पिता चंकी पांडे भी पूरे वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद रहे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आई थिंक मैं लाइफ में हमेशा इतनी खुश हूँ मेरे डैड की वजह से, क्योंकि वो कभी मुझे रोने नहीं देते, मुझे हमेशा खुशी रखते हैं। आर्यन खान केस में अनन्या पांडे का नाम आया कैसे और क्यों, इस सवाल ने काफी लोगों को उलझा कर रखा हुआ है। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, लेकिन वो एक्टर नहीं है, जबकि अनन्या पांडे चंकी पांडे की बेटी हैं और वो एक सफल हीरोइन है। ओके, सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोना क्विट बॉलीवुड। आई एम जोकिंग। अनन्या पांडे बॉलीवुड की न्यू कमर टॉप एक्ट्रेस है, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और पति पत्नी और वो जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उनकी 2 बड़ी फिल्में भी आने वाली हैं। आपको कैसे लग रहा है मैं 6 महीने के बाद आई हूँ? आपने मुझे मिस किया? मेरा तो हर हफ्ते चलता ही है ना। I mean, मिस करता हूँ मैं, of course. Excuse me. There is Instagram. मैं वहाँ फोटो वगैरह देख लेता हूँ। ड्रग्स केस में पहले आर्यन खान को जेल जाना पड़ा और अब अनन्या से पूछताछ। कई लोग इन दोनों के बीच अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है दोनों एक दूसरे को डेट करते थे, तो कोई रिलेशनशिप की बात कर रहा है। एक्ट्रेस बनने से पहले ही अनन्या खान परिवार के बेहद करीब रही हैं। अनन्या और आर्यन खान एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अनन्या उसी स्कूल में पढ़ी है जिसमें आर्यन खान पढ़ते थे। दोनों परिवारों की भी अच्छी दोस्ती है। ये शाहरुख का काफी पुराना वीडियो है जिसमें वो आर्यन खान के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। इस वीडियो में अनन्या पांडे भी नजर आ रही हैं। शनाया एंड आर्यन कैप्टन? या ओके यू प्ले आई टेक द गोलकीपर यू आई वांट द गोलकीपर अनन्या की आर्यन के साथ फोटो वीडियो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अनन्या आर्यन खान की नहीं बल्कि उनकी बहन सुहाना खान की बेस्ट फ्रेंड है। सुहाना एंड आई वुड डू एवरी क्लास टुगेदर, लाइक व्हाटएवर क्लास इट वुड बी, वी हैव डन बैले टुगेदर, वी हैव डन कथक टुगेदर, वी हैव डन आर्ट क्लास टुगेदर। सो आई लव अब्राम, लाइक आई जस्ट लव किड्स इन जनरल, बट आई थिंक अब्राम विल जस्ट ऑलवेज बी लाइक माय फेवरेट चाइल्ड। शाहरुख खान के छोटे बेटे अब्राम के साथ भी अनन्या खूब वीडियो बनाती हैं। अनन्या अक्सर शाहरुख खान के घर में रहती थी। सुहाना और उनकी दोस्ती के बारे में फिल्म इंडस्ट्री को मालूम है। अनन्या पांडे को सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मंगलवार को आर्यन खान की कोर्ट में सुनवाई भी है। अभी पूछताछ के लिए किसी और को भी बुलाया जाएगा। इस पर एनसीबी ने सस्पेंस खत्म नहीं किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।